मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 रविवार को आयोजित की गई, जिसमें जिले भर में 12 परीक्षा केंद्रों पर 4,753 परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था की गई थी। परीक्षा भागों में आयोजित की गई। पहले भाग की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। पहले भाग के लिए अभ्यर्थी सुबह 8:30 बजे से परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की पूरी तरह से जांच कर उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया। परीक्षा कक्ष में केवल बॉल पेन ले जाने की अनुमति दी गई। साथ लाए बैग, मोबाइल, घड़ी, बेल्ट आदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बाहर रखवाए गए। पहली बार में सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ, वहीं दूसरी बार 2:15 बजे से शुरू हुई, जो शाम 4:15 बजे तक चली। कलेक्टर ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन एवं नकल रोकने के लिए नोडल अधिकारी सहित उड़न दस्ते निगरानी रख रहे हैं। पहली बारी के बाद परीक्षा कक्षों से बाहर निकले ज्यादातर अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रश्न अच्छे पूछे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश राज्य की जो परीक्षा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा, उसमें खरगोन जिले में 12 सेंटर बनाए गए हैं और 12 सेंटर में 4,573 जो परीक्षार्थियों शामिल होना था, और इसमें सभी चाक चौबंद व्यवस्था हैं और फ्लाइंग स्क्वाड भी काम कर रहे हैं और मेरे द्वारा भी भ्रमण किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।